सीताराम, बब्बा सीताराम, साधु जी आओ। पुरुषों में से तो नहीं बुलाना है? नहीं गुरुदेव, इनका ही तो इन्हीं का नंबर है जी गुरुदेव। बैठो बहन। और ये भारत के इतिहास में और आज तक के इतिहास का एक अद्भुत विषय है, और भारत के जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए अद्भुतता का विषय है कि कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज की प्रत्यक्ष महिमा देखने को बागेश्वर बालाजी के दरबार में मिलती है। अब माइक उठाइए, श्रीमान जी इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? गुरुदेव इनके लिए दूसरे नंबर का पर्चा खोलें गुरुदेव। सच में? बिल्कुल। एक तो नहीं, नहीं गुरुदेव, दो नंबर। तीन तो नहीं जी? नहीं, तीन बोलो। दो नंबर का कर दे गुरुदेव। फाइनल जी गुरुदेव। कितना नंबर है, कितना नंबर है? नहीं नहीं, ये था, ये वाला इनका है, यही वाला बोला ना इन्होंने, हैं? यही बोला? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला बोला ना, यही वाला बोला। ये कितना है? दो। और ये पर्चा लिया, ये दफ्ती पर रखा और माइक से बोलिए आपका विषय क्या है। जी सरकार की जय। जय हो। नजदीक आओ बहन, कहां से आई आप? रोइए मत, चुप हो जाइए। हैं? चुप हो जाइए। से आई हूं बालाजी महाराज। कहां पड़ता है? यही अपने नागपुर में ही है। नागपुर थोड़ा नजदीक आ जाओ ताकि पर्चा पढ़ पाओ, नहीं तो वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। ये मेरा बच्चा जिस दिन से हुआ है, एक दिन का बेबी, तब से ये बीमार, इसको फीट आते हैं। आओ नजदीक। क्या नाम है इसका? इसका नाम अभी तक मैंने नहीं रखा, आप रख दीजिए। हम रख दें? हाँ रख दीजिए, मैं सोच के आई थी। मुझे आप सपने में दिखे थे, शिरडी में। कहाँ दिखे थे हम? शिरडी में। शिरडी में? हाँ, मैं आपके दर्शन, वहाँ से तो कोई हमारा कांटेक्ट ही नहीं है। मैं दर्शन करने बस जा रही थी, मेरी अर्जी लग रही थी, जब तक आप चले गए मेरा सपना टूट गया। आज पूरा हो गया? आज पूरा हो गया। कल ही अर्जी लगाई, वो सपना था, ये हकीकत है, ये हकीकत है। और शिरडी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो बजरंग बली से लेना देना है। आप मुझे वहां बैठे हुए मिले थे बालाजी महाराज जी। अच्छा, नजदीक आई, पढ़ी लिखी है? हाँ। पहले से बताया तो नहीं? नहीं। अच्छा, आप मानती हैं कि कोई पहले से पर्चा बना के रखा हो? अब आप मानते हैं कि हमने तीन नंबर कहा था लेकिन निकलवाया आपने दो नंबर है? नहीं, ये कितना नंबर है? दो नंबर का ही गुरुजी। दो नंबर का जी, बिल्कुल। आप मानते हैं कि यही इसमें लिखा होगा? जी। पढ़िए। बच्चे को उन्नति होगी, ब्रेन में दिक्कत, मिर्गी के दौड़ा पड़ते हैं, रोग बना बीमार है, वह पैरों में भी दिक्कत बनी हुई है, पैरों की नसें टेढ़ी हैं, चल नहीं पाती। गोपाल लड्डू लड्डू कान्हा कहते हैं पर शिवांश इसका नाम रखिए, आशीर्वाद है। बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम गुरुदेव। बोलो बागेश्वर महाराज की जय हो। शरीर का विकास नहीं होगा, डॉक्टर ने ऐसा कहा है, बालाजी दया करेंगे, बालाजी महाराज जी। इसको धाम लाना है। जिस दिन से मैं माला कर रही हूँ महाराज जी, उस दिन से ये हल्का हल्का बोलना चालू किया है। अब मुझे माला किए ज्यादा दिन नहीं हुआ। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये माला करने से मेरा बच्चा हल्का हल्का बोलने लगा महाराज जी। यही माला करने से मेरी बहन का भी ऑपरेशन हुआ है, वो बहुत सक्सेस हुआ, ब्रेन ट्यूमर का। ये तीन बातें और लिखी, माइक लिए रही। जी हाँ। यह बालक पितरों के कारण ऐसा आया है, पितृ दोष है। एक आपके जिस घर में विवाह हुआ, पैरालाइसिस लकवा के कारण एक पितृ की मृत्यु हुई थी, उन्हीं के अंश के रूप में ये बालक हुआ है। डॉक्टर ने ये कहा है कि इसके ब्रेन का विकास नहीं हुआ है, ब्रेन में दिक्कत है, ब्रेन की नस में समस्या है। हाँ। और गर्भस्थ समस्या है। हाँ। आपका बालक 4 साल के अंदर पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय हो बालाजी महाराज की। धाम उनको लाना है भाई को, ये आपके बालक की अच्छी। दो में से कोई एक फिर भेजिएगा।
श्रीमान महोदय।